दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा भारत के कुछ ऐसे जुगाड़ों के बारे में जिसको देखने के बाद नासा को भी घुटने टेकने पड़ गए। इवन इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम भारतीय हमेशा से ही कुछ अलग कर दिखाने के जोश के लिए ही जाने जाते हैं, और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही भारतीय जुगाड़ों के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आप भी बोलेंगे ओह माय गॉड। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर मैं कहूं कि आपको कपड़े धोने के लिए 20 से 30 हजार के वॉशिंग मशीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है तो आप क्या विश्वास करेंगे? क्योंकि एक 14 साल के बच्चे ने एक ऐसा मशीन बनाया अपनी माँ की तबीयत खराब हो जाने के बाद, जिससे उसका माँ के लिए प्यार तो दिखा ही, साथ ही साथ उसके अंदर के कमाल के टैलेंट को पूरी दुनिया ने देखा। ये 14 साल का लड़का मध्य प्रदेश का ही है, जिसका नाम है दर्शन कोल है। इसकी माँ घर घर जाकर कपड़े धोती थी। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और इस छोटे से लड़के से अपनी माँ की हालत देख ही नहीं गई। इसके बाद इसने एक ऐसा जुगाड़ बनाया जिसके आगे महंगे वॉशिंग मशीन्स भी फीके पड़ गए। इसने एक बड़ा सा कैन लिया, उसके अंदर एक लोहे का जाल जैसा बनाया जिसमें ये कपड़े को गोल गोल घुमाने और उसकी गंदगी निकालने का काम करती है। इसके बाद से उसको कुछ भी नहीं करना है, साइकिल के पैडल को जब तक आप घुमाएंगे कपड़ा वैसे वैसे धुलता चला जाएगा। नंबर 2, आपने खेतों में लगे पुतले जरूर देखे होंगे। इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी पंछी या फिर कोई जानवर खेतों में आकर खेतों को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन ये जुगाड़ बहुत ही पुराना हो गया है और पंछियों को भी पता चल चुका है, जिसके बाद से एक नया जुगाड़ भारतीयों ने किया है जो कि बेहद सराहनीय है, जिसमें ये लोग एक देसी पंखे को इस्तेमाल में लेते हैं जो कि कुछ विंडमिल जैसा दिखता है। इसको खेत में गाड़ दिया जाता है और जैसे जैसे इसकी पंखियां घूमती है इसके पीछे से एक आवाज आती है जो कि किसी जानवर को तो क्या किसी इंसान को भी आने से डरा देगी। तभी तो कहते हैं ना, हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 3, यही नहीं, इसी खेत में जब हमें पाइप से पानी देना होता है ना तो हमें जनरेटर या फिर बिजली की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन भाई साहब ने अपने बाइक से ही खेतों में पानी देने का जुगाड़ निकाल लिया है। आपने भी अगर बाइक से कुछ जुगाड़ किया है ना तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि भारतीय जुगाड़ करने में कभी भी पीछे नहीं होते हैं और इन भाई साहब ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। नंबर 4, अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका जुगाड़ देखकर नासा के साइंटिस्ट भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। इनका जुगाड़ देखने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर एक इंसानी दिमाग इस हद तक का जुगाड़ भी लगा सकता है, जो कि किसी आविष्कार जैसा ही है जिसमें इन्होंने कई सारे आविष्कार किए हैं, जैसे कि अनार छिलने वाली मशीन का आविष्कार किया गया है। असम के उद्धव भराली, जिनको जुगाड़ मैन भी कहा जाता है, ये अपनी पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से और पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन ये अपने हुनर को शायद दबा के नहीं रख पाए, जिसकी वजह से आज ये दुनिया भर में जुगाड़ मैन का टाइटल नाम से घूम रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध भी है। इन्होंने लगभग 140 से भी ज्यादा आविष्कार किए हैं। नंबर 5, इसी तरह एक और जुगाड़ किया भारत के एक फार्मर और उनके बेटे ने। दोनों ने मिलकर पेड़ पर चढ़ने वाली मशीन बनाई है, क्योंकि पेड़ों पर चढ़ना तो हमेशा से ही कठिन काम रहा है। कई बार लोग पेड़ पर चढ़ तो जाते हैं लेकिन गिरने से मौत भी हो जाती है, जिसको देखते हुए ये दोनों ने इस मशीन को बनाया है जिससे पेड़ों पर आराम से चढ़ा जा सकता है। फिर वो चाहे पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो और जहां आपको रुकना है वहां पर ये ब्रेक लगाकर रुक भी सकती है ना, कितना कमाल का जुगाड़। और दोस्तों ऐसा तो सिर्फ भारतवासी ही कर सकते हैं। इसको देखने के बाद विदेश के साइंटिस्ट भी शॉक में रह गए हैं कि जो काम वो नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिखाया। दोस्तों ये थे कुछ भारतीय जुगाड़ जिसको देखने के बाद विदेशी भी हैरान रह गए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।